Now, so this is the TS of spinal cord, as well as आप हम लोग देख लेंगे उसमें क्या also will write right spinal nerve. TS of spinal cord and spinal nerve. ठीक है and spinal nerve. ठीक है ना इसमें आप देख रहे हैं ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है तो ये डॉर्सल साइड है पीछे वाला डॉर्सल या पोस्टेरियर. ठीक है तो इन आवर केसेस डॉर्सल एंड पोस्टेरियर आर सेम एंड ये वाला साइड जो है ये वेंट्रल या एंटेरियर है. वेंट्रल या एंटेरियर. ठीक है जी तो ये वेंट्रल एंटीरियर साइड है तो यहाँ आप क्या देख रहे हो ये आपका जो ग्रे मैटर है एंड व्हाइट मैटर आपको दिख रहा है वेरी क्लियरली ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर फाइन. तो ये आपका क्या है तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्रे मैटर एंड द आउटर पार्ट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर. ठीक है तो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर. तो ग्रे मैटर एक्चुअली किस चीज में रिच होता है बताइए. ग्रे मैटर इज रिच इन सेल बॉडी सेल बॉडीज ऑफ ऑल न्यूरॉन्स एंड सेल प्रोसेसेस. तो सेल processes of non-myelinated neurons. ठीक है तो जो आपका सेल बॉडी है सर वो सेल बॉडी सर वो जो सेल बॉडी डेड है कि अलाइव है कौन तो क्या पगला है सर. ग्रे मैटर में जो सेल बॉडीज है क्यों मर जाएगा वो जिंदा है वो बड़ा बेवकूफ आदमी है. अगर जिंदा नहीं होगा तो हाउ इट विल वर्क. अरे जिंदा नहीं है तो काम कैसे करेगा वो. चलिए तो उसके बाद जो व्हाइट मैटर है इज मेड अप ऑफ द सेल प्रोसेसेस ऑफ What? Cell process of myelinated neurons. इसलिए वो white color का होता है. Neurons full stop white due to क्या? Fats या phospholipids. Phospholipids. Okay, phospholipids कौन सा? Sphingo माइलिन. ओके तो एक्चुअली जो स्फिंगोमायलिन है वो क्या है. जो स्फिंगोमायलिन है सो स्फिंगोमायलिन इज बेसिकली गिविंग इट ए व्हाइट कलर. ठीक है एंड ग्रे मैटर तो इसीलिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ योर ग्रे मैटर. डिसीशन टेकिंग डिसीशन मेकिंग. भाई सारे के सारे सेल बॉडी तो यहाँ आ गए तो ऑब्वियसली क्या होगा वही डिसीशन मेकिंग करेगा. अंडरस्टैंड तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैज टू बी डन दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ग्रे मैटर एंड ये क्या करेंगे ब्रिंग एंड take out responses. Okay? Being information and take out responses. समझे तो इसलिए इनका काम mainly क्या है. इनका काम mainly लाना ले जाना है. Okay? So the main function of the white matter is to obey
वो खबर लाता है एंड खबर लेकर चला जाता है. अंडरस्टूड? सो वो लाना ले जाना का काम करेगा एंड व्हाइट मैटर जो है ओके इट विल टेक ऑल द डिसीजंस. इसको हम लोग इस तरह उसको उस तरफ लिख देंगे कलर चेंज करके ना. तो कलर चेंज करते हैं. अंडरस्टूड? यस हो गया. सो ये उसका बेसिकली मैटर है ना. अब ये जो ग्रे मैटर है इसका अलग अलग पार्ट्स है. सो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सो दैट इज कॉल्ड डॉर्सल हॉर्न. ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड डॉर्सल हॉर्न. ये सींग जैसा दिख रहा है कि नहीं? So that is why this part is called the dorsal horn. And ये जो part है इसको हम लोग कहते हैं ventral horn. Ventral horn. Okay? Ventral horn. किसी किसी में ये थोड़ा बड़ा part होता है. So this is called the lateral horn. Okay? तो ये दिखा नहीं रहा है, वो extra होगा. तो हम लोग बना सकते हैं अगर चाहे तो. उसको हम लोग येलो में बना लेते हैं. ओके? तो इन सम स्पाइनल सेगमेंट्स देयर विल बी एन एक्स्ट्रा अटैचमेंट. एंड ये आपको याद रखना है किस किस में होगा. सो दिस इज कॉल्ड lateral horn. Okay? Only in C6 to 8. Okay? Tapare T1 se 12. Tapare ye segments hai ki nahi? 6 to 8 segment. मैंने तीन तो सेगमेंट होगा इसमें 12 तापरे L1 to 5 एंड सैक्रल 1. तो टोटल कितना हो गया? 21 स्पाइनल सेगमेंट्स. ओके? समझ में आया कि नहीं बताइए. यस सर. तो लैटरल हॉर्न ये जो येलो पार्ट है ये इस तरफ भी होगा. मैंने सिर्फ एक ही तरफ बनाया है. ओके? जस्ट आपको बताने के लिए. शायद आप कंफ्यूज करेंगे तो इधर मैं बना देता हूँ. तो ये जो लैटरल हॉर्न है ये सिर्फ एंड सिर्फ मिलेगा कहाँ? ओनली इन 21 स्पाइनल सेगमेंट्स. ओके? तो ओनली इन 6 to 8 नंबर है ना. 6, 7, 8 प्लस 12 एक से 12 प्लस 5. ओके? तो कितना हो गया? 12, 3, 15, 5, 20, 1, 21 है कि नहीं? तो ये आपका 21 स्पाइनल सेगमेंट्स हो गया. तो सिर्फ उसी में लैटरल हॉर्न होगा. अंडरस्टूड? चलिए आप ये जो आपका स्पाइनल नर्व है दिस इज द स्पाइनल नर्व पार्ट. ओके? तो अगर हम लोग इसको इस तरह से दिखाएं तो ये जो पार्ट है दिस पार्ट. ओके? ये जो पार्ट है वो क्या है? वो आपका स्पाइनल नर्व. देख रहे? सो दिस इज द स्पाइनल नर्व. ना उस स्पाइनल नर्व में आपका जो ऊपर वाला साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉर्सल हॉर्न. ओके? ये वाला डॉर्सल हॉर्न. तो इसलिए ये जो रूट है इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व. डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व. तो स्पाइनल नर्व में हम लोग ऑलवेज
ग्रीक लेटर्स लिखेंगे, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व एंड ये ऑलवेज सेंसरी होता है, ठीक है जी। तो इसलिए डॉर्सल रूट क्या करेगा, वो खबर लाएगा। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं वेंट्रल रूट, ओके। सो दिस इज वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, ये मोटर होता है, ये इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा। इसलिए स्पाइनल नर्व क्या हो जाएगा बोलिए, इन टोटल स्पाइनल नर्व क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। अगर आप इन टोटल देख लें तो ये डॉर्सल भी है, ये सेंसरी भी है, ये मोटर भी है, इसलिए इन टोटो क्या हो जाएगा, वो मिक्स्ड नर्व हो जाएगा ना। अगर आप ध्यान दे रहे हो इसके अंदर एक नर्व आ रहा है, ओके। सो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा हाईलाइट करें, ओके, इफ वी टेक केयर ऑफ दिस नर्व, ये देख रहे हो एक नर्व आ रहा है, इसको मैं रिकलराइज कर रहा हूं, आज मैं पेन नहीं निकाला है तो ये देख रहे हो। तो ये नर्व क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन ला रहा है, अंडरस्टैंड। इसलिए इस नर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, इस नर्व को हम लोग बोलेंगे डॉर्सल रूट न्यूरॉन, ये DRN है। ये तुम लोग थोड़ा अच्छे बच्चे हो करके मैं बता देता हूँ, बट स्पाइनल नर्व जो है ये अब NCERT क्लास 12th में भी नहीं है, समझ में आया। तो ये डॉर्सल रूट न्यूरॉन है एंड ये सेंसरी है, अंडरस्टूड, ये सेंसरी है। ये क्या करेगा, ये हर समय खबर लाएगा। एंड ये देख रहे हो ये सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन या डॉर्सल रूट न्यूरॉन भी बोल सकते हो, ओके। सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन और डॉर्सल रूट न्यूरॉन, देख रहे हो। सो दिस पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये सेल बॉडी है उसका। नाउ ये आपका हो गया वेंट्रल रूट, तो इसमें जो नर्व जा रहा है इस नर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो नर्व जा रहा है हमारा, इसको कहेंगे वेंट्रल रूट न्यूरॉन, ठीक है। इट इज गोइंग अवे, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बेसिकली मोटर, फाइन। तो ये जो है दिस इज एक्चुअली वेंट्रल रूट न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन, ओके। अब समझ में आया व्हाई दिस स्पाइनल नर्व इज कॉल्ड मिक्स्ड। ये जो ये दोनों को इकट्ठा अगर हम लोग लें तो ये हो जाता है स्पाइनल नर्व, ठीक है। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व, अंडरस्टूड। तो ये एक सेगमेंट में आपका सेव कर देता हूँ एक फोटोग्राफ, फिर इसको क्लियर करेंगे। अब ये स्पाइनल नर्व, ये हम लोग इसके तीन ब्रांचेस बनाएंगे, ओके, वी विल मेक थ्री ब्रांचेस। वो पेन टाइम पे बता करते हैं। तो इसके तीन ब्रांचेस बनाएंगे, एक ऊपर के तरफ ले जाएंगे, अंडरस्टूड, एक नीचे के तरफ ले जाएंगे एंड तीसरा वापिस न्यूरॉन को तरफ ले जाएंगे। ऑरेंज देख रहे हो, तो ये थ्री ब्रांचेस है। तो ये जो फर्स्ट ब्रांच है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैमस डॉर्सलिस, ओके, ये रैमस डॉर्सलिस है। ये जो है ये आपका सेकेंड ब्रांच है, डबा सह अच्छी रैमस वेंट्रलिस, ओके। एंड ये जो है ये आपका रिकरेंट रैमस, ओके।
सो दिस इज कॉल्ड मेनिंजियल रैमस. अब तुम खुद ही सोचो, ओके, तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम्हारे नर्व भी कोई काट के ले जाएगा तो इसलिए ये मेनिंजियल रैमस उसको मेंटेन करता है. अंडरस्टैंड? बट अगेन किसी किसी में एक फोर्थ ब्रांच होता है, ओके, किसी किसी में एक फोर्थ ब्रांच होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विसरल रैमस. ठीक है, अंडरस्टूड? ये ऑटोनॉमिक रैमस कहलाता है. सो ये फोर्थ ब्रांच है, दिस इज कॉल्ड विसरल रैमस या सिंपैथेटिक रैमस. ओके ओके. एंड ये अगेन किसमें? 21 स्पाइनल सेगमेंट्स में मिलता है. कौन सा? C6 से लेकर आपका S1 तक. अंडरस्टूड? याद है कि नहीं? ये सेम जो हमने पिछले ड्राइंग में लिखा था. तो ये आपके चार ब्रांचेस हैं. अंडरस्टैंड? कुछ पूछना है तो पूछ लो. Anything you need to ask? सर आप प्लीज स्क्रीनशॉट्स भेजिए. सर नोट्स लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है. वो तो हक आप हो चुके हो, because you are not seeing the videos. तो इसलिए आपको सर स्क्रीनशॉट तो भेजिए. क्यों? सर वीडियोस नहीं चाहिए. वो स्क्रीनशॉट बनाने के लिए भी मुझे प्रोसेस तो करना पड़ता है ना. मैं तुम्हारा फाइल्स को देखता भी नहीं. इधर नहीं आवड़ती वो. सर मैंने मेरे नाम से चैनल से आपको सब्सक्राइब किया है. सर मैंने चेक किया है. वो मैं तुम लोग को दिखा सकता हूँ कि तुम लोग का जो वीडियोस है उसका व्यूअरशिप पर वीडियो 4-5 भी नहीं है. चलिए वो अल्लाह, वो सब तो आपको नहीं मिलेगा. सर प्रॉमिस डाउनलोड नहीं करूंगा. सर 2-3 बार देख लूंगा बस. सर अपलोड कर दीजिए. सर नोट्स लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है. यू हैव गॉट दैट प्रॉब्लम सो आई कैन नॉट हेल्प यू. अब डोंट डिस्टर्ब नाउ. अभी इसके यहाँ ध्यान दो. वो तो मिलेगा नहीं, इसलिए अभी तुम लोग क्लास, तुम लोगों ने जब फैसिलिटीज को मिसयूज किया या अवॉइड किया तो अब फैसिलिटीज आपको कहाँ से मिलेगा? अभी तो तुम लोग का मैं वीडियो सेव भी नहीं करता कि अपलोड भी नहीं करता. चलिए तो अब ये देखिए, ये जो देख रहे हो इसलिए आपको ये सब खुद लिखना पड़ेगा. आइदर आप अभी लिख लिया करो या फिर कालू का पढ़ने के बाद लिख लेना. सो देख रहे हो, तो ये आपके इंटर न्यूरॉन्स हैं. देख रहे हो, तो ये आपका डॉर्सल रूट न्यूरॉन है. फाइन, डॉर्सल रूट न्यूरॉन. ये आपका क्या है? वेंट्रल रूट न्यूरॉन. तो वेंट्रल रूट न्यूरॉन ये सब याद रखना ऑलवेज. ये वेंट्रल रूट न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है? ये ऑलवेज मोटर होता है. ओके, एंड जो डॉर्सल रूट न्यूरॉन है वो क्या होता है? That is always sensory. Okay, नहीं, वो always sensory होता है. And inter neuron क्या करता है? ये दोनों को connect करता है. तो inter neuron क्या करता है? Connect. क्योंकि ये सब आप कहीं नहीं पढ़ोगे, ये सब spinal nerve. क्योंकि ये आपका plus two syllabus में भी नहीं है. ये only JCRT syllabus में है. समझ रहे हो? And since आप हाँ बोलो, अच्छे बच्चे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ. आपका कनेक्ट बोर्ड, तो इसलिए डॉर्सल सेंसरी आएगा एंड इंटर न्यूरॉन्स से कनेक्ट करेगा. एंड कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? बोथ. एंड इसका एक और प्रॉब्लम होता है, ये only in somatic nervous system होता है. समझ रहे हो? ये आपका visceral nervous system में नहीं होता. Fine, the inter neurons they are not present in visceral nerves. Okay, so that is what you have to remember, that there is no inter neuron in the autonomic system. हो गया? इसमें कोई शक है बताइए.
तो ये किसका फंक्शन क्या है हम लोग लिखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम का काम खत्म। बेटा नोट है यही नंबर, ठीक है। सो इसीलिए अब हम लोग चले जाते हैं उसके बारे में लिखने के लिए। सो नाउ स्पाइनल नर्व्स, ओके स्पाइनल नर्व ऑलवेज हम लोग शॉर्टकट खोल दे SN लिखेंगे, ओके स्पाइनल नर्व्स SN। एंड जो ओके सो ये ऑलवेज 31 पेयर्स होता है, ओके 31 पेयर्स इन मैन, ठीक है। ये ऑलवेज 31 पेयर्स होता है इन ह्यूमंस, सो ये ऑलवेज वेरिएबल है तो याद रखना। तो 31 पेयर्स इन ह्यूमंस, ठीक है। सो ये 31 पेयर्स इन ह्यूमंस होता है। सो इसके बारे में स्पेशल पॉइंट क्या है? नाउ ऑल ओरिजिनेट इन द क्या स्पाइनल, या ऑल ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। तो इसका जो ओरिजिन है, लोकेशन क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द टू एंड फ्रॉम, ओके ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड में ओरिजिनेट करेंगे, ठीक है। नाउ ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स, ओके ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स, इसका मतलब क्या है? हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर पार्ट्स, ऑल हैव सेंसरी एंड मोटर, ओके मोटर पार्ट्स, ठीक है। सबके पास मोटर सेंसरी या मोटर पार्ट होता है। नाउ डॉर्सल या पोस्टेरियर, ओके डॉर्सल या पोस्टेरियर रूट इज ऑलवेज सेंसरी, ये गांठ बांध लो, ऑलवेज सेंसरी या एफरेंट। एफरेंट का मतलब क्या है? टू कॉमा ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड, टू द स्पाइनल कॉर्ड, है कि नहीं? ये आपका खबर लेकर आएगा, ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसी तरह से जो आपका वेंट्रल या एंटेरियर रूट होता है, ओके वेंट्रल एंटेरियर रूट इज ऑलवेज क्या? इज ऑलवेज मोटर या इफरेंट। तो ये क्या होगा? टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, टेक्स ऑर्डर्स लिख सकते हो या रेस्पॉन्सेस, ओके फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द क्या बॉडी, ओके। तो ये ऑलवेज इफरेंट होगा, ये इंस्ट्रक्शंस को लेकर वापस जाएगा टू द बॉडी। सो द स्पाइनल नर्व क्या इज मिक्स, ओके तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? स्पाइनल नर्व मिक्स कर जाएगा, फाइन। तो ये सब ऑल फिक्स पॉइंट्स है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता,
तापरे ईच स्पाइनल नर्व हैज थ्री ब्रांचेस ओके हैज जनरली या हम लोग जनरली थ्री ब्रांचेस है ओके कौन सा ए इज रैमस डॉर्सलिस तुमको जितनी मन रहेगा से लिखी दब क्योंकि ये सब तुम्हारा मैंने एक्सेप्ट आई एन बी ओ एन एस सी बी आई बी ओ और कहीं नहीं आएगा तो इसलिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओके रामस डॉर्सलिस या डॉर्सल रामस ये क्या होता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू द डॉर्सल एंड लैटरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल सेगमेंट समझ रहे आपका पीछे से और साइड से ये खबर लाएगा ले जाएगा ठीक है जी उसी तरह से इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे ओके तो बी क्या हो जाएगा कॉपी कर रैमस वेंट्रलिस ओके या वेंट्रल रैमस ये क्या करता है कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड सेंस इंस्ट्रक्शंस टू द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी ओके वेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल सेगमेंट एंड लास्ट जो है उसको मेनिंजियल रैमस बोला जाता है ओके रिकरेंट या मेनिंजियल रैमस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड सेंस इंस्ट्रक्शंस टू द स्पाइनल नर्व Spinal nerve of each segment. बुझिला क्या होता है जैसे आपका पेट्रोल का पाइप आता है ओके सपोज योर पेट्रोल पाइप कम एंड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो अगर आप उस पाइप को गार्ड नहीं करोगे तो कोई उस पाइप को बर्बाद कर देगा फाइन तो दैट इज वाई ये याद रखना है Fine. तो इसको हम लोग को याद रखना है दैट वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द नर्व तो देर आर नर्व्स टू द नर्व यू नो उसको क्या कहते हैं नर्व्स टू द नर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं नर्वी नर्वोरम तो इसलिए आपका जो नर्व्स है उसको भी केयर लेना पड़ेगा सो तो दीज आर द थ्री ब्रांचेस नाउ डी इन 21 स्पाइनल सेगमेंट्स देयर इज एन एडिशनल ब्रांच नोन एज विसेरल रैमस या ऑटोनोमिक रैमस